दोस्तों, क्या आपको बवासीर की दिक्कत है? बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, मस्से हो गए हैं और मस्से ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ले चुके हैं, दवाइयाँ लेके हार चुके हैं और आपको कोई भी आराम नहीं मिलता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा खून आने लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बवासीर में जो मस्से हो जाते हैं उनको ठीक करने कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और आपको क्या क्या अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, क्या आपको डाइट में अपने खाना चाहिए, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कैसे होम्योपैथिक दवाइयाँ आपकी इस बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर सकती हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर प्रखर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो पर्सन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों बात करते हैं बवासीर के मस्सों के बारे में। दोस्तों, पाइल्स पे एक वीडियो जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके देखिए, पाइल्स को पूरी तरीके से समझिए, पाइल्स के बारे में कितने तरीके के पाइल्स होते हैं और बहुत से होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करिए, क्या कारण होता है पाइल्स होने का, डिटेल में उसने मैं पाइल्स के बारे में बताया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो बवासीर के जो मस्से हो जाते हैं ठीक नहीं होते हैं, क्या कारण होता है उसके पीछे और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए मस्से वाले पाइल्स के लिए, इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब आपको कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है काफ़ी समय से, आपको पेट की दिक्कत बन जाती है, आपको लैट्रिन के जाने के समय बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो वहाँ की जो नसें हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं, वेन्स जो होती हैं, वो लूज़ हो जाती हैं और वीक पड़ जाती हैं, जिससे मस्सा जो है वो बाहर निकल आता है और साथ में बहुत ज़्यादा दर्द देता है, कभी कभी उसमें ब्लीडिंग भी होने लगती है। ये था दोस्तों पाइल्स जो बाहर निकल आता है। अब इनके अगर कारणों की बात करें, किन किन कारणों की वजह से ऐसा होता है, अगर आपको प्रेगनेंसी है, आपको डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसकी वजह से मस्सा जो है वो बाहर आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है बहुत लंबे समय से, बहुत ज़्यादा टाइट स्टूल होता है, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो ये मस्सा बाहर आ सकता है। दोस्तों, साथ में अगर आपको डायरिया भी बना हुआ है, डायरिया आपको बार बार लैट्रिन के लिए जाना पड़ता है, तो भी ये दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। आप अगर बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ओवरवेट हैं, उस कंडीशन में भी आपको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। पाइल्स का जो मस्सा जो होता है, बवासीर जो होता है, मस्से वाला पाइल्स जो होता है, वो हो जाता है ऐसे सिचुएशन में, और ज़्यादातर देखा गया है कि ओल्ड एज पर्सन में भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। दोस्तों, मस्सा अगर आपका परमानेंट बाहर आ गया है, तो ये हो गया है फोर्थ ग्रेड का पाइल्स, चार ग्रेड का पाइल्स होता है और ये फोर्थ ग्रेड का पाइल्स है अगर मस्सा आपका परमानेंट बाहर आ गया है। दोस्तों, तो अब बात करते हैं इनकी चेंजेस, आपको लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या डाइट आपको लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको फाइबर डाइट लेनी है, मिर्च मसाला फास्ट फूड का सेवन ना करें या कम से कम करें, जिससे आपका पेट जो है वो पूरी तरीके से अच्छा रहे, लैट्रिन जो है वो टाइट ना हो और आपको स्टूल जाने के समय पर बहुत ज़्यादा जोर लगाना ना पड़े। अगर आप डाइट को अपनी प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, अच्छे से आप अपने पेट का पूरा तरीके से ख्याल रखते हैं, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइजेस करते हैं और पानी जो है खूब अच्छे से पानी 12 से 13 ग्लास 10 12 ग्लास पानी जो है आप लगभग रेगुलर पीते रहेंगे, जिससे आपका स्टूल है, बाउल के मूवमेंट जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से होते रहेंगे और आपका स्टूल जो है अच्छे से पास होगा, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। और साथ में जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो धीमे धीमे करके मस्से जो हैं वो ठीक हो जाते हैं और साथ में आपको जो दर्द, जलन, खून आना स्टार्ट होता है, वो तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन मस्से को ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। मेडिसिन आप कुछ समय रेगुलर लेते रहेंगे और अपन डाइट का पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे, तो ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो मस्से वाले पाइल्स में लेनी चाहिए, जिससे मस्से वाले पाइल्स पूरी तरीके से ठीक हो जाए। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने नियर में अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर ही, सलाह लेकर ही मेडिसिन को खाएंगे। ये वीडियो एक सिर्फ नॉलेज पर्पज़ से है। तो दोस्तों, पहली मेडिसिन जो मैं अपने क्लिनिक पर यूज़ करता हूँ मस्से वाले पाइल्स में, वो है दोस्तों एलोज सॉक। बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है मस्से वाले पाइल्स के लिए। आप जब देखेंगे कि आपके रेक्टम में, आपके लैट्रिन की जगह पे छोटे छोटे 2 से 3 मस्से हो गए हैं, ऐसा लगता है कि अंगूर के गुच्छे के समान अगर मस्से ऐसे दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लैट्रिन करने के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, लैट्रिन जो है आपको टाइट होती है, तो ये मेडिसिन आपके मस्से को भी कम करेगी, लैट्रिन में जलन हो रही है उसको भी कम करेगी, और साथ में आपको जो लैट्रिन टाइट हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बनी हुई है, उसको भी पूरी तरीके से ठीक कर देती है। दोस्तों,
इस मेडिसिन को आप एलोस को 200 पावर में सुबह शाम लगभग 15 दिन लेके देखें, रिजल्ट मिल रहा है तो मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो वो है कल्केरिया फ्लोर। कल्केरिया फ्लोर बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। पाइल्स के केस में मस्से एक्सटर्नल है या मस्से इंटरनल भी है तो दोनों केस में ये काम करती है। अगर मस्सा बाहर आ गया है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, जलन होती है एनस के रीजन में, चुभन सी होती है और साथ में आपको कमर में दर्द बना रहता है काफ़ी समय से, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे काम करती है। और साथ में प्रेग्नेंट वूमेन में अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको मस्से हो गए हैं लैटिन की जगह पे पाइल्स वाले, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इस मेडिसिन को 6x पावर में आप दिन में 4 बार 4-4 गोली करके 15 दिन तक लें। अगर रिजल्ट मिल रहा है, आपको आराम हो रहा है, तो इस मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। मस्से वाले पाइल्स में दोस्तों ग्रेफाइटिस के सिम्टम होते हैं, इसका स्टूल जो होता है, अगर आपको लैटिन बहुत ज़्यादा टाइट होती है, स्टूल की जो पीसेज है बड़े बड़े पीसेज में स्टूल पास होता है और स्टूल के ऊपर लैटिन के ऊपर म्यूकस के थ्रेड लगी होती है, कुछ म्यूकस ऐसा लगा रहता है, और ग्रेफाइटिस का जो पेशेंट होता है दोस्तों थोड़ा सा मोटा हेल्दी होता है और साथ में उसको स्किन की कोई बीमारी होती है। अगर आपको स्किन की कोई बीमारी है, दाने हो रहे हैं, एक्जिमा हो गया, खुजली हो रही है और लैटिन बहुत ज़्यादा टाइट होती है और पाइल्स की समस्या बनी हुई है, तो ये मेडिसिन आपको पूरी तरीके से ठीक करने की क्षमता रखती है। इस मेडिसिन को आप 30 पावर पर सुबह एक बार खाली पेट लेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो वो है म्यूरियाटिक एसिड। म्यूरियाटिक एसिड बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। पाइल्स के केस में मैं अपने क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस मेडिसिन का यूज़ करता हूँ दोस्तों। इस मेडिसिन में पेन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, मस्से में टच करने में भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिलता है पेशेंट को, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता है कि कहीं बैठना हो रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हल्का सा टच पे भी पेन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान पर भी मस्से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, चुभन होती है, ऐसा लगा कुछ सुइया सी चुभ रही है, इस तरीके का दर्द देखने को मिलता है, तो ये मेडिसिन सभी सिम्टम्स को कवर करती है और हर चीज़ में आपको आराम देती है और धीमे धीमे करके मस्से को भी छोटा करते करते धीमे धीमे करके ख़त्म कर देती है दोस्तों। इस मेडिसिन को आप 30 पावर में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लें, लगभग 15 दिन तक लें, आपको रिजल्ट मिल रहा है, मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी, ऐसे में नॉलेजेबल वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। पाइल्स का जो डिटेल वीडियो है और जो अलग अलग मेडिसिन के बारे में बात करी है वो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके पूरी तरीके से उसको देखें समझें और मेडिसिन लेके खा सकते हैं। नियर में अपने डॉक्टर से बात भी कर लें पहले, उसके बाद मेडिसिन को खाएं। डाइट का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से आपको रखना चाहिए पाइल्स के केस में, तभी ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कोई भी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए है तो उस पर ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू सो मच।